नाबालिग से छेड़छाड़। भोपाल में नाबालिग से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को नाबालिका जो हगीराबाद स्थित अपनी नानी के घर आई थी, वहां आरोपी उसका पीछा करते हुए आ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। एक दिन तो लड़की चुप रही, लेकिन फिर आरोपी की हरकतें बढ़ने लगी। विरोध करने पर लड़के ने लड़की को डराना धमकाना शुरू कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। जब परिवार के लोग उसे जहांगीराबाद थाना लेकर आए और आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक पीड़िता घर पर ही रहती है। उसने बताया कि उसके परिचित लड़का उसे परेशान करता है, कुछ दिनों से पीछा करना और रास्ता रोककर दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा था। सर, एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है थाना क्षेत्र में। हाँ, ये 28 तारीख की जो है 28/11 की घटना है। एक नाबालिग बच्ची है, वो न्यू आरिफ नगर में रहती है अपने मम्मी पापा के साथ। उसकी नानी हमारे थाना क्षेत्र में रहती है। उसका कहना है कि मैं 28/11 को यहाँ अपनी नानी के आई थी, तो बरखेड़ी पात्रा पुल के पास में जो है एक अरसान नाम का लड़का है, 20-21 साल का लड़का है, वो उसे परेशान करता है, उसका पीछा करता है। उसने हाथ हाथ भी पकड़ लिया और थोड़ा सा आपत्तिजनक बातें करी। उसने एक दो बार मना भी किया, तो इसके बाद लगातार ऐसा होने के बाद जो है उसने पहले तो डर के मारे अपने मम्मी पापा को ये बात बताई नहीं। फिर जब वो आरिफ नगर में गई, अपने मम्मी पापा को ये बात बताई, फिर वो कल अपने पेरेंट्स के साथ में आई थी और उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराया। हमने स्टॉकिंग धारा 354D, 354C के तहत और पॉस्को एक्ट इसमें ले लिया। अरसान नाम के आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीबद्ध किया है। सर, जो आरोपी पुलिस गिरफ्त में आया है, क्या इससे पहले भी इसने कोई आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं आया है। अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं उसकी, ठीक है ना। वो जैसे ही ये लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है क्या? अभी उसका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड बाकी थानों का भी ICGS में छांट रहे हैं, बाकी थानों से मतलब आसपास के थानों में भी पूरा छांट रहे हैं। और अभी वो आरोपी के घर में दो बार दबिश दी है, तो आरोपी भाग गया क्योंकि ये लोग बता के आए थे कि हम थाने जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने, इस चक्कर वो दब गया, गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अनजान था या पहले से परिचित? नहीं, परिचित अनजान नहीं था, ऐसा अनजान नहीं था। वो जानती थी उसके, एक ही समाज के लोग हैं, वो जानती थी। पर बच्ची छोटी है, मात्र 15 साल का बच्चा है, उसके साथ इस प्रकार के हरकतें करना, भले ही एक समाज के जानबूझ के हैं, पर वो ये गैरकानूनी है, पॉस्को एक्ट में अपराध है, इसलिए अपराध पंजीबद्ध किया गया। जल्दी उसको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर। खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।